साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे पुरबले जन्म दे तप स्थान गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा इस वार 25 मई तो शुरू होवेगी। इस दिन लगभग 15,000 फुट उचाई ते स्थापित गुरुद्वारे विच आरंभता दी अरदास होवेगी। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट दे प्रबंध हेठ आउंदे वख-वख गुरुद्वारियां विच संगत दी रिहायश, लंगर, मेडिकल अते होर सहूलत दा खास प्रबंध कीता गया है। श्री हेमकुंड साहिब दा सीधा प्रसारण चढ़दी कला टाइम टीवी ते विखाया जाएगा। बीते दिन उत्तराखंड दे चमोली जिले दे विष्णु प्रयाग विच पहाड़ खिसकन कारण रस्ता कुछ वक्फे लई बंद कीता गया सी, जिस संबंधी चरणजीत सिंह ने दस्या कि सैलानियों लई बद्रीनाथ रूट खोल दिता गया है ते संगतां श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा हुण कर सकदियां ने। ठीक दो दिन पहले 19 मई को आप सबने देश भर के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में देखा कि बद्रीनाथ के पास यहाँ विष्णु प्रयाग में मैसिव लैंडस्लाइड हुई और 15,000 लोग इस रूट पे फंस गए। पर यह बात आप यकीनन नहीं जानते कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर रास्ता बहुत ही जल्द दोबारा खोल दिया और यात्रा नॉर्मलाइज भी हो गई। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने रास्ता दोबारा खुलने की पॉजिटिव न्यूज को फ्लैश नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? बेवजह लोगों के मन में यात्रा को लेकर डर पैदा हो गए और यात्रा प्रभावित हो गई। जाने अनजाने न्यूज एजेंसीज अपनी लापरवाहियों की वजह से अपने सिर पे पाप ले रहे हैं, क्योंकि यह जगह देवताओं की तपोभूमि है। हमारी जंग है इस नेगेटिव न्यूज के रवैये से। आप सब हमारा साथ दें और लोगों को इस बारे अवेयर करवाएं। लैंडस्लाइड्स पहाड़ों पे कॉमन है, 50 साल पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेंगी। आप सब बेधड़क दर्शन करो चार धाम और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।